हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी स्पेशल हलीम। हमने जो पहले बनाया था वो देसी स्टाइल हलीम थी, यह हैदराबादी स्पेशल हलीम है। ये बहुत ही टेस्टी होती है, एक बार आप ट्राई ज़रूर करना इसे। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं हम क्या क्या लगते हैं। देखिए, हलीम का रवा जो हमने पहले से ही भिगा के रख लिया था 6 आवर्स पहले से, उसके अंदर हमने चने की दाल एंड माश की दाल डाली थी। सो ऐसे हो गया है ये भिग के, 6 आवर्स पहले से हमने इसे भिगा लिया था। अब इसका हम पानी निकाल लेंगे एंड इसको पकाएंगे। अब पकाने का प्रोसेस हम बताते हैं आपको। देखिए, हमने एक पैन गरम कर लिया है भगोना, उसके अंदर हम ये ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें वाटर डालेंगे। देखिए, हमने इसमें वाटर डाला है, पानी हमको ज़्यादा ही लगेगा, और हमने वाटर ऐड किया है। तब तक हमें इसको पकाना होगा जब तक ये हमारा हलीम का रवा एंड ये दालें जब पक ना जाए, अच्छे से गल ना जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे फुल फ्लेम पर। बीच बीच में हम थोड़ा सा लो फ्लेम भी करेंगे ताकि दाग ना लगे। देखिए, हमने इसमें मटन डाल लिया है कुकर में। जब तक वहाँ पर हमारा रवा गलता है हलीम का, तब तक हम यहाँ अलग प्रोसेस कर लेंगे। हमने मटन लिया है इसमें, अब हम इसमें डालेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। चलिए अब हम इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून उतना 2 टीस्पून उतना जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर, वन टीस्पून हमने डाला है साल्ट। साल्ट लेना अब आपके हिसाब से, जितना लगेगा आपको। अब हम डालेंगे मिर्ची, रेड चिली पाउडर हम डालेंगे इसमें 2 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, शाहजीरा, 2 से 3 हमने इलायची लिया है, एक हम डालेंगे पट्टा, अब हम इसमें डालेंगे साबुत काली मिर्च, अब हम इसमें डालेंगे दही 1 टेबलस्पून इतना हम दही लेंगे इसके अंदर। अब ये देखिए, हम इसमें डालेंगे ऑयल 2 टेबलस्पून उतना हमने ऑयल लिया है। अब सब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। हमने 1 कप वाटर ऐड किया है। अब हम इसमें हलीम, देखिए अब हम इसमें डालेंगे हलीम का ये मसाला। अब हम इसका लिड क्लोज कर देंगे एंड इसको 4 to 5 whistles देंगे। देखिए, यहाँ हमारा रवा भी अच्छे से गल चुका है। चलिए अब इसको ठंडा कर लेते हैं हम, उसके बाद हम इसे पीस लेंगे।
पक चुका है। हमने इसको 4 to 5 विजल्स दे दिए थे, अब हम इसमें काट लेंगे। देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है हलीम का। अब हम आगे के प्रोसेस पे जाते हैं। चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। जो ये हमारा हलीम का रवा है उसको हम ग्राइंड करेंगे। अब देखिए हमने इसे मैश कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एंड सारा सब कुछ ऐसे ही कर लेंगे हम। बाकी का जो बचा हुआ है हमारा लेफ्ट ओवर उसे भी ऐसे ही करेंगे। देखिए लास्ट में हम जो मसाला बनाए थे उसमें जो मटन था वो मटन निकाल के मटन भी इसके साथ ही पीस लेंगे। सारा मटन हम इसमें डाल देंगे। हम फिर से यही बॉक्स में पैन में डाल लेंगे। चलिए ये हमने पीस के डाल लिया है, ग्राइंड कर लिया था। अब ये हम पूरा डाल देंगे इसके अंदर। इसमें हमने थोड़ा सा वाटर भी ऐड किया है। चलिए अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। हमने इसमें सब कुछ डाल लिया है, अब हमारा मेन प्रोसेस है इसको घोटने का, इसको बनाने का हैदराबादी स्टाइल में। अब हम इसको घोटेंगे। जब तक इसको घोटते रहेंगे हम तब तक ये अच्छे से बन ना जाए, इससे इसमें ऐसा हलीम वाला टेक्सचर जब तक अच्छे से आ ना जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। चलिए चलिए देखिए अब हम इसको घोटते हैं। ऐसे हमें बड़ा सा चमचा लेना होगा इसके लिए, क्योंकि ये उछलेगा बहुत। अब जैसे जैसा ये पकते चले जाएगा वैसा वैसा ये उछलेगा, तो इसीलिए हमें बड़ा सा चमचा लेना होगा। एंड आप ग्लव्स भी यूज़ करिए ताकि आपके हाथ पे उछले ना। अभी हम स्लोली इसे ऐसे ही चलाते जाएंगे। देखिए ये कैसे निकल रहा है। हमें इतना घोटना होगा उसे कि अच्छे से ठीक हो जाए और ये चमचे पे से ऐसा डाउन ना हो, तब तक हम इसे घोटेंगे। अभी ये उछलना शुरू नहीं हुआ है, स्लोली हम बना रहे हैं। ये सबसे मेन प्रोसेस होता है इसका। देखिए ये अच्छे से पकने आ चुकी है। देखिए बबल्स आ रहे हैं इसमें, ये अच्छे से पक रही है और घट भी हो रही है। देखिए अभी हम
और करेंगे इसको, और अभी तो ये सिर्फ 20% हुई है, ऐसे ही हमें घोटना होगा। बीच बीच में हम इसमें डालेंगे घी, डालेंगे हम इसमें ताकि इसमें अच्छे से फ्लेवर्स आए। देखिए ये उछल रहा है, ये घट हो रहा है इसीलिए ये उछल रहा है। हमें ऐसे ही चलाना होगा इसे। देखिए भूनते हुए हमें 10 से 15 मिनट्स हो चुके हैं, ये ऐसे हो चुका है। अभी ये 50% हुआ है और 50% हमें होना है अभी, तो हम अभी और 15 से 20 मिनट्स ऐसे ही चलाएंगे इसे, घोटेंगे। तब तक ये अच्छे से घट ना हो जाए तब तक हमें इसे घोटते रहना होगा। इसमें स्टिकी स्टिकी ऐसा हो जाएगा वो, तब तक हम इसे भूनेंगे घोटेंगे। देखिए और 50% तो हो चुका है, ये अभी 50% बाकी है हमारा। हमने 15 मिनट से ऐसे ही इसको चला रहे हैं, ऐसे ही पका रहे हैं। देखिए 15 मिनट्स हो चुके हैं, ये कितने अच्छा सब हो चुका है। देखिए हमने अच्छे से इसे पका लिया है, ये इतना पक चुका है कि ये पूरा तेल इसका साइडों से आ चुका है। देखिए अब हम इसको और 5 मिनट्स के लिए पकाएंगे अच्छे से, देन उसके बाद हम बंद कर देंगे। ये ठंडी हो जाएगी तो और गाढ़ी हो जाएगी, ये घट हो जाएगी। देखिए ये रेडी हो चुकी है, देखिए कितनी घट हो चुकी है ये। अब हम इसको दम पे रख देंगे, साइडों से क्लियर कर देंगे एंड दम पे रख देंगे। फाइव मिनट्स के लिए हम इसे दम पे रखेंगे, देन हम इसके गार्निशिंग का प्रोसेस देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी हलीम बनके रेडी हो चुकी है, अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए हमारी हलीम रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।